Me do my two-step. बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आई होप आप सबने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखी होगी और आपको मेरी ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट हाउ आई वेंट फ्रॉम 90 केजीज टू 70 केजीज इन अराउंड 5 मंथ्स। कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड ताकि अगर आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो इस वीडियो को देख के आपको भी आपके वेट लॉस प्रोसेस में हेल्प हो। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू क्लियर इज दैट आई वाज वर्किंग आउट सिंस 5 इयर्स बिफोर द लॉकडाउन हैपेंड एंड बिफोर आई गॉट फैट, जिसकी वजह से मेरे पास काफी मसल मास ऑलरेडी था जो मैंने पिछले 5 सालों में बिल्ड किया था। तो जब मैं अपनी वेट लॉस प्रोसेस की तरफ गया था तो मुझे अपनी बॉडी से सिर्फ फैट रिमूव करा था और क्योंकि मेरे पास मसल ऑलरेडी था। बट आई वॉज इन वर्किंग आउट सिंस 7 to 8 मंथ्स, तो काफी मेरी स्ट्रेंथ में काफी फर्क आ गया था। माई स्ट्रेंथ गॉट रियली डाउन। तो माई मेन गोल वॉज टू बिल्ड माई स्ट्रेंथ फर्स्ट। जैसा कि आप सब जानते होंगे, अगर आपको एक वेट लॉस जर्नी पे जाना है तो वेट लॉस के लिए आपको सबसे पहली जो चीज करनी है वो है एक कैलोरी डेफिसिट। तो कैलोरी डेफिसिट का बेसिक मीनिंग ये है कि आपको अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर डे से कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज कम खानी है। अगर आपके मेंटेनेंस कैलोरीज 2800 है और आप डेली 2600 कैलोरीज खाओगे तो यू आर इन 200 कैलोरी डेफिसिट। तो जब आप एक कैलोरी डेफिसिट में आते हैं और आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं तभी आप एक वेट लॉस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बट मुझे सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को वापस लाना था, तो आई स्टार्टेड ईटिंग इन अ कैलोरी सरप्लस। ठीक है, 1 महीने से मैंने घर पे वर्कआउट करना शुरू किया था क्योंकि उस टाइम पे जिम्स ऑलमोस्ट बंद थे एंड कोविड का काफी रिस्क था। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एट होम। बट तो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में मुझे काफी ज्यादा चेंजेस दिखने लगे थे बिकॉज आई वाज इन वर्किंग आउट सिंस 7 to 8 मंथ्स। तो मैंने जैसे ही अपनी बॉडी एक्टिविटी बढ़ाई और मैंने अपना वर्कआउट शुरू किया तो ऑटोमेटिकली मेरे कैलोरीज बर्न होने लगी एंड आई स्टार्टेड लूजिंग वेट। तो जब मुझे ये लगा कि मेरे से घर पे अच्छे से वर्कआउट नहीं हो रहा है, मेरे को जिम जाने की जरूरत है, देन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम। तो जब मैंने जिम में जाना शुरू किया था तो दिस वाज माय कंडीशन आफ्टर 1 month एंड आई वे अराउंड 85 केजीज इन दिस वीडियो। आई रिड्यूस माय कैलोरीज टू अराउंड 2500 कैलोरीज पर डे। तो जब भी आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो यू शुड ट्रेन एवरी मसल ट्वाइस अ वीक। लाइक माय वर्कआउट स्प्लिट वाज ऑन मंडे इट वाज चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, ऑन ट्यूसडे इट वाज बैक एंड बाइसेप्स, ऑन वेडनेसडे इट वाज शोल्डर एंड लेग्स। सो आफ्टर 2 weeks ऑफ गोइंग टू द जिम मैंने दोबारा से जिम में कार्डियो शुरू किया एंड आई यूज्ड टू डू कार्डियो ट्वाइस अ वीक। तो दिसंबर में मैंने दोबारा से अपना शेड्यूल चेंज किया एंड आई यूज्ड टू डू कार्डियो 3 times पर वीक ऑन अल्टरनेट डेज और बाकी के अल्टरनेट डेज पे आई यूज्ड टू ट्रेन माय एब्स। दिसंबर एंडिंग में मेरा वेट वाज स्टक, तो उसकी वजह से मुझे ओवर कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ा एंड आई स्टार्टेड ईटिंग ऑन 2200 कैलोरीज पर डे। और जो भी मैं अपनी कैलोरीज रिड्यूस कर रहा था दैट वर मेनली फ्रॉम माय कार्ब्स। मैं अपने प्रोटीन्स और फैट्स को थोड़ा ही कम कर रहा था, प्रोटीन इंटेक मैंने अपना ज्यादा ही रखा था। तो लॉकडाउन से पहले मेरा वेट वाज अराउंड 77 केजीज और मैं ऑलमोस्ट 79 केजीज पे पहुंच गया था। तो आई वाज फीलिंग रियली ग्रेट कि मैं वापस से अपनी पुरानी शेप में आ गया हूँ। बट आई न्यू आई हैड टू डू मोर और मैं काफी उस टाइम कॉन्फिडेंट था कि मैं कर सकता हूँ ये, बिकॉज अगर मैंने 11 केजीज लूज कर लिया है तो आई कैन ऑल्सो लूज 8 to 9 केजीज मोर। मुझे अपना वेट लॉस और फास्ट करना था, देन आई मेनली फोकस्ड ऑन माय नीड। नीड स्टैंड्स फॉर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इस एक्सरसाइजेस में बेसिकली वो एक्सरसाइज आती है जो हम जिम में नहीं करते हैं, जो हम आउटसाइड द जिम लाइक वॉकिंग एंड कुकिंग फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप अपनी डेली एक्टिविटीज करते हो वो नीड में कंसिडर होती है। तो मैंने अपने डेली स्टेप काउंट को बढ़ा दिया एंड आई यूज टू वॉक अराउंड 5 to 6,000 स्टेप्स पर डे। तो ये वॉक आप कभी भी कर सकते हो, आप किसी पार्क में कभी लंच के बाद या डिनर के बाद कभी भी आप अपनी वॉक स्टेप्स बढ़ा सकते हो। तो जब आप वॉक करते हो तो आप एक कैलोरी डेफिसिट में आ जाते हो, नॉट बाय डिक्रीजिंग योर कैलोरीज बट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कैलोरीज यू आर बर्निंग पर डे। तो लाइक आप वॉकिंग से भी अगर 100 कैलोरीज बर्न कर लोगे तो वो भी काफी आपको हेल्प करेगा आगे अपने वेट लॉस प्रोसेस फास्ट करने के लिए। मुझे लग रहा था कि ऑलमोस्ट मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूं, बट स्टिल मुझे थोड़ा और फैट रिड्यूस करना था ताकि मैं और अच्छे से लीन दिखूं।
in February starting, this was my shape and I weighed around 74 to 75 kgs और मुझे इस time पे काफी confident feel हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं वापस से अपनी form में आ गया हूँ. तो जब मुझे लग रहा था कि finally I am almost there, I went on 1800 calories per day और मैंने अपना cardio 4 times per week कर दिया था and उसी के साथ मैं अपने abs भी train कर रहा था around 4 to 5 times per week. I used to do cardio for around 15 to 20 minutes after my workout. Cardio में basically what I used to do was high intensity interval training. It is also known as HIIT. HIIT में basically आप काफी high intensity से train करते हो जब तक आप exhaust नहीं हो जाओ. And after you get exhausted, आप थोड़ी देर का interval लेते हो. It is also known as recovery period. And recovery period काफी कम time का होना चाहिए ताकि आप दोबारा से high intensity पे train कर सको. And trust me guys, this was the best cardio I've ever done और काफी effective था ये मेरे लिए. And personally, I felt really great after doing that because मुझे काफी अच्छे results आ रहे थे HIIT से. So I highly recommend doing HIITs in your workout. And the final thing that I'd like to add on is ki there's nothing like 30 days transformation, 60 days transformation, 90 days transformation. लोगों को देख के आपको डीमोटिवेट नहीं होना है. सबकी बॉडी को अलग टाइम लगता है. कभी किसी का बॉडी फैट कम होता है, किसी का बॉडी फैट ज्यादा होता है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी फैट एंड योर बॉडी कंडीशन. जस्ट लाइक इफ समवन्स ऑन 20% बॉडी फैट तो उसको 10% बॉडी फैट पे आने में कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू द पर्सन हु हैज 30% बॉडी फैट. तो इसीलिए डीमोटिवेट नहीं होना है. सबकी बॉडी को अपना टाइम लगता है. तो गिव योर बेस्ट. आपकी बॉडी को कितना भी टाइम लग सकता है बट नेवर गिव अप. Guys, I can't tell you how proud I was of myself. But still, I'm not satisfied with this physique. I want more of myself. I know I can do it. And I know aap mein bhi wo baat hai aur aap bhi apna weight loss kar sakte hain. To isliye, never give up. Keep your dreams alive. And all the best for your weight loss journey. I hope आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिससे आपकी वेट लॉस प्रोसेस में आपको हेल्प हो. मैंने लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि और नई वीडियोज और नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ. थैंक यू.